हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स। आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और लॉकडाउन के टाइम पे हमेशा कुछ चटपटा और कुछ ऐसे छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो मैंने सोचा कि मेरे फेवरेट जैसे मैं कलकत्ता में ये चीज़ बहुत खाती थी और घर पर भी मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ और मेरा बहुत दिल के नज़दीक है स्नैक, और उसको बोलते हैं आलू चाट। हम लोग बंगाली में बोलते हैं आलू काबली। सो मैं जो मेरे पास है इंग्रेडिएंट उसी में बना रही हूँ। सो पहले तो ये पोटैटो मैंने बॉईल कर लिया है और साथ ही साथ जो है ये ऑनियन चॉप किया हुआ है, और ये देख रहे हैं आप पीनट्स जो मैंने खुले कढ़ाई में फ्राई करके इसको मैंने निकाल लिया है इसका छिलका, और ये है नारियल जो मैंने बारीक काट, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, बारीक काटा हुआ है थोड़ा सा, और ये है जिंजर बारीक कटा हुआ, और ये जो हरी मिर्च है ये बारीक कटी हुई है, और थोड़ा सा नींबू, नींबू के साथ ये है नमक, और ये सेंधा नमक है ये यूज़ करूँगी, और ये है चाट मसाला ये भी यूज़ होगा, और ये है हमारे बंगाली में जो बोलते हैं भाजा मसाला जो घर पे हम लोग बनाते हैं। ये मेन मतलब इसका जो खुशबू है ना, ये मज़ेदार, मतलब इसके आलू काबली में खुशबू आती है चाट में, आलू चाट में। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी सरसों का तेल थोड़ा सा, और ये जो मैंने भिगा के रखा है इमली, और इमली को मैंने थोड़ा गर्म पानी में भिगा के रखा है, ये स्वीट और खट्टा मिक्स इमली है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा उपयोग करूँगी, और साथ साथ में मैं गार्निश के लिए ये मैंने भुजिया सेब जो है ये मैंने थोड़ा सा रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आलू चाट, कहते हैं बंगाली में आलू काबली, आई लव इट। तो दोस्तों मैं ये पोटैटो को मैंने ये काट, क्योंकि मैंने पोटैटो मैंने पहले भी दिखाया था माइक्रो में मैंने बॉईल किया था, तो ड्राई है बिल्कुल पोटैटो मैं काट रही हूँ। सो अभी ये पोटैटो मैंने काट लिया है बॉईल पोटैटो, और इसके साथ जो मैं मिक्स करने जा रही हूँ सबसे पहले जो है सरसों का तेल, ये एक अलग फ्लेवर देता है दोस्तों। हम लोग बंगाली में सरसों का तेल डाल के आलू काबली बनाते हैं, आलू चाट बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल ले लिया तकरीबन 1 स्पून, और इसके साथ मैं यूज़ करने जा रही हूँ सबसे पहले जो है ये नारियल, कच्चा नारियल कटा हुआ। आप ये पर डिपेंड करते हैं आप नारियल डालिए नहीं डालिए, मगर हम लोग डालते हैं और इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है दोस्तों, और स्पेशली स्नैक के लिए तो आलू चाट बेहतरीन है, और ये अदरक जो मैंने बारीक बारीक करके रखा था, और साथ में ये पीनट्स, पीनट्स मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, थोड़ा सा रख दूंगी गार्निश के लिए, और ये चॉप जो ऑनियन है ऑनियन मैं डाल रही हूँ, और साथ में ये ग्रीन चिली मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, फुल नहीं डालूंगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो कम नहीं कर सकते, मगर स्पाइसी कम होगा तो हम लोग बाद में डाल सकते हैं, और ये जो नमक है सेंधा नमक है ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि चाट मसाला में भी नमक है तो थोड़ा सा चख लेना ज़रूरी है, तो मैं नमक इस हिसाब से डाल रही हूँ कि ताकि कम हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाद में ऐड कर लेंगे। और ये चाट मसाला मेरा फेवरेट, और ये तो बहुत मज़ेदार बनता है पता है, ये आलू चाट एक दिन कभी घर पे बनाइए और खाइए। तकरीबन ये स्पून का मैंने 3 स्पून लिया है चाट मसाला, और स्पेशल जो ये सुपरस्टार है ये भाजा मसाला, ये इसके जो खुशबू है ये आलू चाट में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, कभी आप लोग ज़रूर ये भाजा मसाला ट्राई कीजिएगा, इसके लिए ये भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। भाजा मसाला मैंने तकरीबन ये स्पून का 2 स्पून डाल दिया है, ज़्यादा भी डाल सकती हूँ कम भी, डिपेंड करता है स्वाद के ऊपर। और ये जो है ये इमली का पानी बना के रखा था, इमली का पानी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी क्योंकि स्वीट इमली है, खट्टा नहीं है, तो थोड़ा सा जस्ट टच के लिए ये इमली का पानी, और ये जो है एक लेमन, अभी मिक्स करूंगी मैं, और ये भी स्नैक के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चों को भी बहुत पसंद है, और मुझे मेरा तो फेवरेट है,
और जो चीज़ें नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, जो चीज़ें हैं उससे हम क्या अच्छा बना सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो डाला जाएगा, मैं थोड़ा चख लूँगी। और कुछ लोग टमेटो वगैरह डालते हैं, मगर मैंने टमेटो नहीं यूज़ किया है क्योंकि ड्राई, मैंने सोचा ड्राई रखूँगी तो अच्छा लगेगा, तो हम लोग टमेटो इसमें यूज़ नहीं करते हैं आलू चाट में। इसको मैं थोड़ा सा चखूँगी नमक और मसाले के हिसाब से, अगर कुछ कम होगा तो मैं यूज़ करने जाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भाजा मसाला यूज करूंगी मैं। और हल्का सा मैं नमक, और आपको अगर तीखा खाना है तो मिर्ची ज्यादा डाल दीजिए, मैं जैसे अभी करने जा रही हूँ। और आप लाल मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। थोड़ा सा मैं और नींबू निचोड़ दूंगी, हल्का सा, दो चार बूंद और। यम्मी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्वाद बहुत अच्छा आया है। आलू चाट बनाइए दोस्तों लॉकडाउन में और एंजॉय कीजिए। और इसको मैं भी गार्निश करने जाऊंगी, गार्निश करती हूँ। ड्राई बनाए बिल्कुल, और आप चाहो तो थोड़ा सा आप इमली का पानी डाल के गीला कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने गार्निश किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने पीनट्स डाला है और मैंने ऑनियन डाला है, और साथ में मैं ये भुजिया डाल रही हूँ। ये बन गया आलू चाट, आलू काबली, और खाइए, एंजॉय कीजिए। और लॉकडाउन में घर पे रहिए, प्लीज़ स्टे सेफ। एंड इस तरीके से मैं हमेशा वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने, और तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और हमेशा मैं बोलती हूँ, शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा आप शिवाला को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके से देते रहिए दोस्तों। और जाते जाते मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि लव यू ऑल, आप लोग बहुत 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 मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे।